Hello student, today we discuss about Teflon. Teflon is the trade name for polytetrafluoroethylene. Polytetrafluoroethylene ko diya gaya ek name hai Teflon. It is very slippery, so it is used to make non-stick coating for pans. नॉनस्टिक के पैंस तो आपने देखे ही होंगे, उसके ऊपर जो ब्लैक वाला कोटिंग आपको दिखता है वो टेफ्लॉन का रहता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर क्लॉथिंग टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द डर्ट टू स्टिक. ऐसे क्लॉथ्स बनाने के लिए टेफ्लॉन के फाइबर का यूज़ किया जाता है कि जिसपे डर्ट ईजिली ना चिपके. देन हाउ टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड. टेफ्लॉन इज ए होमोपॉलीमर, दैट मीन्स सेम मोनोमर से प्रिपेयर्ड होगा. The monomer used for the preparation of Teflon is tetrafluoroethylene. Tetrafluoroethylene कैसे form होता है देखो, CH2 double bond CH2, इथिन का formula है, इथिलीन का formula है. उसमें से आपको hydrogen replace करके वहाँ पर fluorine रखना है. Next line में आप देख सकते हो CF2 double bond CF2, this is the formula of tetrafluoroethylene. Tetra means 4 fluorine atom and ethylene C double bond C, CF2 double bond CF2, this is the formula of tetrafluoroethylene. And the polymer form is polytetrafluoroethylene, PTFE is a short form. Then CF2 double bond CF2, n number of this tetrafluoroethylene undergo polymerization in presence of peroxide or NH4 by 2 H2O8, अमोनियम पर सल्फेट. इट यूज़ ए रिपीटिंग यूनिट, आपको एक रिपीटिंग यूनिट दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन. एंड द नेम ऑफ दिस पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन इज टेफ्लॉन. देन टेफ्लॉन इज ए हीट रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्ट कर सकता है. आप उसको कितना भी हीट करो वो मेल्ट नहीं होगा, दैट मीन्स वो हीट रेजिस्ट करेगा. एंड एक्वेरिजिया का भी टेफ्लॉन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्वेरिजिया. एक्वेरिजिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HNO3 एंड HCl, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 1:3 प्रोपोर्शन में आपको टू एसिड्स कंबाइन करने हैं, मिक्स करने हैं. देन गेट एक्वेरिजिया. एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ टेफ्लॉन. द मेजर एप्लीकेशन ऑफ PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन कंज्यूमिंग अबाउट 50% ऑफ प्रोडक्शन इज फॉर वायरिंग इन एरोस्पेस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस. वायरिंग इन एरोस्पेस, एरोस्पेस में स्पेस में जो इक्विपमेंट्स भेजते हैं उसमें जो वायरिंग होती है वो टेफ्लॉन से बनती है. एंड इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है. PTFE इज बेस्ट नोन फॉर इट्स यूज इन कोटिंग नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस एंड अदर कुकवेयर. नॉन स्टिक के पैंस तो आपने देखे हुए हैं, उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए एंड अदर कुकवेयर्स को कोटिंग करने के लिए भी टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर एप्लीकेशंस में टेफ्लॉन का यूज़ होता है, मतलब कंप्यूटर की जो वायरिंग होती है और केबल होता है वो टेफ्लॉन से बनता है, क्योंकि टेफ्लॉन हीट रेजिस्ट कर सकता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज़ अबाउट टेफ्लॉन. नाउ नेक्स्ट पॉलीमर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. देन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PAN इज ए शॉर्ट फॉर्म, पान. इट इज़ सिंथेटिक. सिंथेटिक मीन्स मेड बाय केमिकल प्रोसेस, नॉट नेचुरल. केमिकली प्रिपेयर्ड होगा, नेचुरली वो प्रिपेयर्ड नहीं होगा. दैट मीन्स केमिकल सब्सटेंस से हमको प्रिपेयर्ड करना है. सेमी क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक पॉलीमर रेजिन. सेमी क्रिस्टलाइन मीन्स क्रिस्टलाइन कैरेक्टर टू सम डिग्री. सम डिग्री में उसमें क्रिस्टलाइन कैरेक्टर्स हो गए पॉलीमर रेजिन. द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. दो इट इज़ थर्मोप्लास्टिक, इट डज नॉट मेल्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन. ये थर्मोप्लास्टिक है इसलिए वो नॉर्मल कंडीशन पे मेल्ट नहीं होगा, जब आप इसको बहुत ज़्यादा हीट करोगे तब मेल्ट होगा. देन देखो नेक्स्ट रिएक्शन, एन नंबर ऑफ CH2 double bond CH CN. CN इज ए नाइट्राइल ग्रुप एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइनाइड ग्रुप. अंडरगो पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन होगा और आपको मिलेगा एक रिपीटिंग यूनिट्स CH2 single bond CH single bond CN, और आपको यहाँ पे लॉन्ग चेन दिखानी है, ब्रैकेट करके बाई एन लिखना है. दैट मीन्स पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर हमारा प्रिपेयर. दिस एक्रिलोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म.
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने पढ़ा था। विनाइल पॉलीमराइजेशन भी बोला है इसको। विनाइल मतलब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे सी एन आ गया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ गया, दैट इज़ नाइट्राइल ग्रुप। और आपको पॉलीमराइजेशन के बाद एक रिपीटिंग यूनिट सीख रहा है, दिस इज़ पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पॉली एक्रिलो नाइट्राइल पी ए एन इज ए शॉर्ट फॉर्म। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल फाइबर्स हैव गुड रेजिस्टेंस टू स्टेन्स, केमिकल्स, इंसेक्ट एंड फंजाई। गुड रेजिस्टेंस टू स्टेन, स्टेन मीन्स कलर। कलर अगर उसके ऊपर कोई कलर गिरेगा तो वो परमानेंट कलर मार्क नहीं आएगी उसके ऊपर। देन केमिकल्स से वो रिएक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स रेजिस्ट टू केमिकल्स एंड इंसेक्ट एंड फंजाई को भी वो रेजिस्ट करेगा। देन इट इज़ यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर उल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑरलॉन। इट इज़ यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर उल। उल की जगह पे आप ऑरलॉन की प्रिपरेशन में, ऑरलॉन की मैन्युफैक्चरिंग में उल की जगह पे पॉली एक्रिलो नाइट्राइल का यूज़ कर सकते हो। विच इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ऑरलॉन से क्लॉथ्स बनते हैं। कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स भी ऑरलॉन से ही बनते हैं। देन आपको एक इमेज दिख रही है, दीज आर द फाइबर्स ऑफ पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। सो फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीटेड पॉली एक्रिलो नाइट्राइल।